मेरा नाम है ज्योति माने और हम सी यूमी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और उसके बाद बोकारो ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मानियोंग से है। और आज का मैराथन दौड़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और उसके बाद सभी को मेरा तरफ से विश करता है हैप्पी इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है क्योंकि हम लोग ओलंपिक डे मना रहे हैं आज। और आज जितना भी मैराथन रेस वहाँ से दौड़ा है, चिंपू से दौड़ा है यहाँ तक, सभी मतलब ऑलमोस्ट पूरा ये अप हिल था। तो इसके लिए जो अप हिल में दौड़ना थोड़ा तकलीफ होता है, जैसे कि ये में क्या बोलते हैं प्लेन एरिया में, उसके बाद अप हिल में दौड़ना बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि अप हिल में थोड़ा नर्व से सभी पकड़ता है इसके लिए जो, तो इसके लिए। और ट्रैक फील्ड में दौड़ना बहुत अलग होता है। अपना अरुणाचल को देख के बहुत खुशी है, जो जितना भी यूथ से सभी डिसिप्लिन से बहुत अच्छा अच्छा मतलब अपना स्टेट के लिए जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद नाम कमा रहे हैं, मेडल्स ले आ रहे हैं, अभी भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा आया है, इसके लिए बहुत खुशी है। और हम भी मेरा तरफ से बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है जो जितना भी मतलब अचीवर है ना, और जो भी मतलब पार्टिसिपेट करता है, बाहर जाके पार्टिसिपेट करता है अपना स्टेट के लिए, अपना नेशनल के लिए, जो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फील लगता है हमको। उनका नाम बताइए। मेरा नाम हरेश श्री है, हम जिस कमिंग से बिलोंग करते हैं, सिपास है। कैसा लगा आज मैराथन रेस में और कितना पहुंचा है और आगे बच्चों लोगों को आप क्या संदेश देगा? अच्छा लगा आज सुबह दौड़ के और बच्चा लोग को ये एडवाइस देना यूट्यूब को, आप जो ड्रग्स छोड़िए, फिजिकली मतलब ट्रेन कीजिए, आप जो स्टडी नहीं होता है वहीं से फिजिकली नहीं होगी, आजकल स्पोर्ट बहुत आगे है। और हम यहाँ में ऐसे है कि अरुणाचल में मतलब बिना विदाउट ट्रेन विदाउट मतलब स्टेडियम होके हम लोग रोड में प्रैक्टिस करना बहुत टफ है, बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है, हम लोग से मतलब प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसमें बहुत तकलीफ है। इसलिए अरुणाचल गवर्नर को ये कहना चाहता है, हम लोग यहाँ में मतलब स्टेडियम होने से अच्छा है, स्टेडियम नहीं होने का वजह से हम लोग यहाँ का कोई भी बच्चा आगे नहीं निकलता है एथलेटिक में, स्पोर्ट्स में काफ़ी। लेकिन बच्चे लोग अभी कुछ साल से निकलते जा रहे हैं, तो अभी आप कैसे करेंगे बाकी आने वाला भाई बहन लोग के लिए? उसके लिए अरुणाचल का गवर्नर को यही कहना चाहता है, आप स्टेडियम खुल दीजिए ना, स्टेडियम खुलने से हम लोग ट्रैक और ये जो रोड में हम लोग दौड़ना बहुत टफ होते हैं ना, अगर आप जो अच्छा कोच देने से हम लोग भी क्यों नहीं आगे फ्यूचर में बहुत आगे निकलेगा। तो मतलब बिना कोच का हम लोग बिना कोच के काम कर मतलब प्रैक्टिस करते हैं, तो स्टेडियम होने तो यही क्यों नहीं करेगा, बहुत आगे जाएगा। तो आप पहले कभी ऐसा मैराथन रेस दौड़ा था और आज दौड़ के कैसा लगा ईटानगर का शहर में? ईटानगर में भी हम बहुत बार दौड़ चुके हैं और बहुत बार भी मिल चुका है विनर और बहुत सारा इवेंट में पार्टिसिपेट किया है नेशनल में, इसलिए नेशनल जाने के लिए भी हम लोग मतलब यहाँ का स्टेडियम में कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए मतलब हम लोग कोई आगे निकलने के लिए कोई जगह नहीं है।